नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। फाइनली दोस्तों, बिहार लघु उद्यमी योजना का जो है लिस्ट वो जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, अगर आप लोग भी ऑनलाइन किए थे, आवेदन किए थे, तो आप लोगों को किस प्रकार से अपना लिस्ट में नाम चेक करना है। अब ये प्रोसेस जो दोस्तों हम आपको मोबाइल फ़ोन से बतला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूज़र ऐसे हमारे भाई हैं जिसके पास स्मार्टफोन है, पीसी नहीं है, तो इसी वजह से हम आपको मोबाइल पे ही बता रहे हैं कि आप लोग को किस प्रकार से नाम चेक करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करिए, आप गूगल क्रोम ओपन करिए और सर्च बार ओपन कर लीजिए गूगल क्रोम का, और वहाँ पर जो आपको सर्च करना है, क्या करना है, बिहार उद्यमी, केवल इतना डाल करके आपको सर्च करना है। जैसे आप इतना सर्च करोगे, जैसे इतना डाल करके दोस्त सर्च करोगे, फर्स्ट में जो लिंक आएगा यहाँ पर उद्योग विभाग बिहार सरकार, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर दोगे, आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर आप क्लिक कर दीजिएगा, हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है थ्री डॉट पे, मोबाइल के मोबाइल में आपको यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है और नीचे करिएगा। नीचे करने के बाद यहाँ पर जो आपको दिख जाएगा एक डेस्कटॉप साइज का ऑप्शन, ठीक है, इस पर आपको टिक कर दीजिएगा। तो मेरा टिक है, आपको भी टिक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा लिस्ट में नाम देखने से। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार जब आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय 2023-24 में दिनांक 23/2024 को जो आप लोग का लिस्ट जारी हो चुका है। लिस्ट में नाम देखने के लिए जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ब्लू कलर से, यहाँ पर इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है, ठीक है। तो इस पर आप सिंपल सा क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहा गया है बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत कोटिवाइज अभ्यर्थी का सूची। अब आप लोग का सूची जो है यहाँ पर जारी हो चुका है, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि आप लोग को डाउनलोड करना है वो कैसे करना है। यहाँ पर देखिए SC लिखा हुआ है इस साइड में, SC के आगे, अगर आप SC कैटेगरी से आ रहे हैं तो इसके आगे में जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप ST से आ रहे हैं तो ST के आगे में जो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। जनरल वाले जो भी हैं, इसके आगे में डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन पर। EBC वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे और BC वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको कैटेगरी वाइज बता दिए कि किस प्रकार से, मान लेते कोई भी कैटेगरी से आप हैं तो उस पर डाउनलोड पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों डाउनलोड पर क्लिक करोगे, डाउनलोड हो करके लिस्ट जो है आपके सामने में इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का लिस्ट आ जाएगा। तो इसमें आपको नाम कैसे खोजना है, अब आप ऑनलाइन जो किए हैं, आपको जो है आवेदन संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकालिए और यहां पर देखिए आप सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा यहां पर, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर को टाइप करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करोगे आपका जो है शो हो जाएगा। अगर बाय द वे आप लोग का शो नहीं होता है तो यह समझिए कि मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया है, अदरवाइज आप नाम से भी खोज सकते हो। अब देखिए इसमें जो है कि बहुत सारा है, जो भी आप लोग को आया हुआ है लिस्ट वो सब का यहाँ, मतलब जिसका चयन हो चुका है वो सब का इसमें नाम आ चुका है। तो जो इस साइड में जो है यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का बिजनेस का नाम भी यहाँ पर दिखेगा, यानी कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिखाएगा, उसके बाद जो है आप लोग का नाम जो है दिखाएगा यहाँ पर, आप मतलब पिताजी का नाम दिखाएगा, और इस साइड में जो है आप लोग का बिजनेस दिखाएगा। आप अपने मतलब पूरा पूरा प्रॉपर श्योर हो जाइएगा कि मेरा जो है वो कि यही है, नाम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलाना है मिलाना है। अब बहुत सारे एक जैसा ही बहुत सारा नाम हो जाएगा तो आप ये मत समझिए कि ये मेरा ही है, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलाना है। रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हूबहू मैच हो जाता है तब आपको समझना है कि भाई साहब मेरा लिस्ट में नाम आया है। बाद में अगर आप लोग का लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप लोग वेट कीजिएगा, फिर से जो है अप्रैल के बाद फिर से आवेदन होगा, फिर से जब आवेदन होगा तो उसमें जो कि आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर टोटल कैटेगरी का लिस्ट जो जारी हो चुका है हम आप लोगों को सूचित कर दिए हैं, आप लोग जो इसमें नाम को देख लीजिएगा। आप देखिए जिसका नाम मतलब चयन सूची में आ गया है, अब उनको क्या क्या करना होगा इस पर जो हम आपको कल ही वीडियो बना करके बता देंगे कि वो उन लोगों को अब क्या क्या करना होगा। तो उस प्रकार से आप लोग का प्रोसेस रहेगा जैसे हम आप लोग को बताएंगे। तो 2 लाख इसमें आप लोग को जो है फाइनल है कि आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा जिसका नाम सूची में आ चुका है। जिन लोगों का नहीं आया है वो लोग वेट करेंगे, अगला बार जो फिर से आवेदन होगा यानी कि 2024 में ही होगा, मार्च के बाद होगा, यानी कि अप्रैल के बाद से जो है आप लोग का दोबारा आवेदन स्टार्ट होगा। तो फिर से आप लोग आवेदन कर सकते हैं, फिर से उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना होगा। चयन जो हुआ है उसका जो हम आपको लाइव जो हम आपको दिखाएंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पब्लिश ही होने वाला है। जैसे कि किस प्रकार से चयन हुआ है वो वीडियो हम आप लोग को दिखा देंगे कि आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि चयन जो हुआ है वो किस प्रकार से चयन हुआ है, लॉटरी के माध्यम से जो हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। चलिए हम इस वीडियो को करते एंड, अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्त मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।